भगवान शिव की नगरी में ही उनकी मुक्ति का दावा किया जाए तो जाहिर है इसकी आलोचना तो तय है। और कुछ ऐसा ही हुआ प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर वो ये कह गए कि आज वो शिव की मुक्ति कराने आए हैं। फिर क्या, काशी के विद्वत समाज की नाराजगी खुलकर सामने आई। हालांकि नाराजगी तो केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्टों को लेकर भी कम नहीं, शुरू से ही इसका विरोध हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है, क्यों ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था, शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। पीएम मोदी का ये बयान उनके विवादों का सबब बन गया है। मौका था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योजना की शिलान्यास का, तो पीएम शिव भक्ति में लीन नजर आए और शिव भक्तों को लुभाने के चक्कर में वो ऐसा कुछ बोल गए जिससे शिव की नगरी काशी ही नाराज हो गई। एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जिससे वो आलोचना के शिकार बन गए। एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है, क्यों ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था, शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। दरअसल पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को कई सौगातें देने के साथ ही अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी। इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम ने काशी से अपने जुड़ाव की बात छेड़ी तो फिर कुछ ऐसा बोल गए कि काशी ही नाराज हो गई। पीएम के शिव को मुक्ति दिलाने के बयान पर काशी के विद्वत लोगों में खासी नाराजगी है। क्या ये सच है कि जिस दिन से ये कॉरिडोर की परिकल्पना की गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से, उसी दिन से लगातार इस कॉरिडोर का विरोध हो रहा था, काशीवासी कर रहे थे, साधु संत कर रहे थे, वहाँ के जो मंदिर भी स्थापित किए जा रहे थे, जबरन तोड़े जा रहे थे, वहाँ के पुजारी कर रहे थे? देखिए ये तो तथ्य है, इसको कहना क्या है। अभी तो विश्वनाथ कॉरिडोर बोल रहे थे और अब आज इन्होंने विश्वनाथ धाम बोल दिया है। हिंदू धर्म में चार धाम हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ कहावत है, प्रभुता अपाई काही मद नहीं, तो बहुत कम लोग हैं भरत ही हो न राजमद, यह तो विधि हरिहर पद पाई। तो ये तो भरत हैं जिनको कभी घमंड नहीं हुआ, वरना तो बहुत से लोगों को अब क्या कहा जाए, प्रभुता पाती ही मद हो जाता है। लेकिन जब शंकर हैं भोले, अब वो तो प्रतीक हैं मुक्ति देने के, अच्छे बुरे का फर्क करने के, ये मिथ है। और इसमें किसी को मुक्त करा, मिथ को कौन मुक्त करा सकता है, विचार को कौन मुक्त करा सकता है, लोगों की आस्था को कौन मुक्त करा सकता है। अब आपको बताते हैं आखिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना क्या है जिसे लेकर शुरुआत से ही विवाद बना हुआ है। दरअसल काशी को क्योटो बनाने की योजना के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके लिए ललिता घाट से विश्वनाथ मंदिर तक 200 से अधिक भवनों को अधिग्रहित कर तोड़ा गया। इनमें करीब 50 प्राचीन मंदिर और मठ भी शामिल है। करीब 40,000 वर्ग मीटर इलाके में बन रहे इस कॉरिडोर पर 600 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। पीएम ने भूमि पूजन करते हुए ओम नमः शिवाय लिखी हुई शिलाओं का इस्तेमाल किया। अब इसको लेकर राय यही है कि काशी विद्वानों की नगरी है और लगता है कि पिछले चुनाव में काशी ने एक इतने मूर्ख व्यक्ति को यहाँ का सांसद बना दिया जो बाबा विश्वनाथ पर इस तरह की बात कर रहा हो, बाबा विश्वनाथ को मुक्त कराने की बात कर रहा हो। काशी 4-5 हज़ार साल पुरानी शहर है और जब से काशी है तब से विश्वनाथ जी हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने 40 से अधिक प्राचीन मंदिर जिस पर लोगों का अतिक्रमण था उसे भी मुक्त कराया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस योजना पर ही ये कहकर सवाल उठा दिए कि बनारस की जीती जागती संस्कृति को ढहाकर उस पर विकास की इमारत खड़ी की जा रही है, ये लाखों लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जद में आने वाले क्षेत्र को बनारस में पक्का महाल कहा जाता है। ये क्षेत्र गंगा तट पर 80 से राजघाट तक फैला है। बनारस का ये इलाका खुद में कई संस्कृतियों को समेटे हुए है।
अलग अलग राज्यों के रियासतों की प्राचीन इमारत और वहां पूजे जाने वाले पौराणिक मंदिर और देव विग्रह इस क्षेत्र में स्थित, जिनके दर्शन करने पूरे देश से लोग आते हैं। पक्का महल में बंगाली, नेपाली, गुजराती, दक्षिण भारतीय समुदाय के अपने अपने मोहल्ले हैं और इनसे जुड़े देवी देवताओं के मंदिर हैं। लेकिन अब केंद्र के इस प्रोजेक्ट से इलाके की पूरी पहचान ही बदल गई है, जिसे लेकर पुरातन काशी के लोग सहज नहीं हैं। वाराणसी से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।